आज आम पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राकब चड्ढा द्वारा किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में राकब चड्ढा के साथ विपक्ष नेता हरपाल चीमा, लीगल सेल के पूर्व जस्टिस जोरा सिंह, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, विधायक किशन सिंह रोड़ी उपस्थित थे। इस मौके पर पंजाब के सह प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकब चड्ढा ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा ये कहा कि वो हमेशा कृषि कानूनों के खिलाफ है, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई डॉक्यूमेंट्री और उनके पार्टी के नेता द्वारा आरटीआई की जानकारी के अनुसार खुलासा किया गया कि नीति आयोग द्वारा बनाई गई कमेटी में कौन कौन था और इसमें इस बाबत हुई मीटिंग में कौन कौन था। राकब चड्ढा ने आरटीआई में दी गई जानकारी में बताया कि नीति आयोग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई कमेटी में सातवां नाम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का था और नीति आयोग की मीटिंग में यह पहले ही तय हुआ है कि इन कानूनों में क्या क्या होगा। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जालंधर। आज आरटीआई के हवाले से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें यह निकल कर आया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर राजा साहब उस तीन काले कानूनों को बनाने वाली कमेटी के मेंबर थे। मोदी साहब ने खुद मेंबर बनाया और उस कमेटी के एजेंडे में इन तीन काले कानूनों को बनाने की बात साफ तौर पर लिखी हुई है। कैप्टन साहब लगातार बोलते रहे कि जी मैं कमेटी का मेंबर नहीं था, मैं तो मीटिंग में नहीं गया, कमेटी इन तीन काले कानूनों को बनाने के लिए बनी नहीं थी, तो कोई और चर्चा हो रही थी जी फाइनेंशियल मुद्दों पर। लेकिन आज साफ हो गया कि ये तीन काले कानून बनाने के लिए, कानून नंबर एक, कानून नंबर दो, कानून नंबर तीन को बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी बनाई गई और कमेटी का जो एजेंडा था उसकी कॉपी 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को दे दी गई। पूरे एक साल तक 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आने जा रही है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी कमज़ोर हो जाएगा, जमाखोरी और कालाबाजारी को अनुमति मिल जाएगी। इन सब विषयों पर चर्चा हुई, कमेटी में बात हुई, कानून बना, लेकिन एक साल तक कैप्टन साहब ने किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी, किसी के कानों कान खबर नहीं होने दी, ना पंजाब के किसान को बताया, ना किसान जत्थेबंदियों को इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कैप्टन साहब ने पंजाब की आवाम के साथ गद्दारी करी है, धोखेबाजी करी है, और इस गद्दारी के लिए पंजाब की आवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर कैप्टन साहब चाहते तो एक साल पहले इस बारे में कि इस कमेटी में इन तीन काले कानूनों पर बात हो रही है, ये पंजाब को बता सकते थे, पंजाब की आवाम को बता सकते थे। और हो सकता है कि आज हमारे बड़े बुजुर्गों को सिंगू बॉर्डर पर खुले आसमान में इस कड़कती ठंड में रातें नहीं गुजारनी पड़ती। वजह तो जी एक ही नज़र आती है कि मोदी साहब और कैप्टन साहब में मैच फिक्सिंग है। कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पुत्र मोह में अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडीवीडी से बचाने के लिए इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने मोदी से करी है, और उस सेटिंग के चलते उन्होंने अपने हित तो संभाल लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पंजाब के एक एक परिवार को बर्बाद कर दिया, किसानी को बर्बाद कर दिया, खेती को कॉर्पोरेट को बेच दिया। आपका जो किसान मोर्चे का एक एकदम फर्जी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 26 तारीख को ट्रैक्टर जा रहा है, वो तो पुलिस करेगी कार्रवाई करेगी उस पर, एकदम फर्जी है, उस पर हमने मुकदमा भी डाल दिया है। जहाँ तक ट्रैक्टर मार्च की बात है, 26 जनवरी को देश का किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, सब लोग, पूरे वॉलंटियर सब मिलकर किसान के रूप में, किसान की भांति, किसानी मजदूर की तरह, बिना पार्टी के झंडे के, देश के किसान को इस आंदोलन में मजबूती भी देंगे
ट्रैक्टर रैली में हिस्सा भी लेंगे। हमारे कुछ लोग यहाँ से एम्बुलेंस ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत पड़े। हमारे रोज हर हल्के से ट्रैक्टर जा रहे हैं और पूरे तरीके से देश के किसान की इस संघर्ष में, इस आंदोलन में मजबूती देने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लगी हुई है। देखिए, इस विषय में पुलिस जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन एक हमारे मन में एक फियर है, एक खौफ है, एक डर है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। वो हिंसा, वायलेंस क्रिएट भी कर सकते हैं, लोगों को लोगों के बीच भेजकर कुछ अटैक कराने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये सबके मन में डर था और कहीं ना कहीं ये डर सच होता नजर आ रहा है। शुक्रिया। ठीक है।